आज हम लोग सीखने वाले हैं कि वायरल होने वाले भीम कार्टून फैक्ट्स वीडियो एडिटिंग कैसे किया जाता है, और फैक्ट वायरल करने के लिए मैं आप लोग को प्रो ट्रिक बताऊंगा जो आप लोग को शायद किसी ने नहीं बताया होगा, जिससे आप लोग को 100% आपका शॉर्ट्स वायरल होगा। और ये मैं आप लोग को एंड में बताऊंगा। सबसे पहले आप लोग प्रूफ देख लो, देख सकते हो यहाँ पे मैंने सभी अपना शॉर्ट्स वीडियो वायरल कर रखा है और मुझे अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो चुका है। अब गाइस, वायरल फैक्ट्स बनाने के लिए आप लोगों को चाहिए एक अच्छा सा स्टोरी और एक अच्छा सा बैकग्राउंड म्यूजिक और अच्छा सा एक वीडियो एडिटिंग ऐप जो कि है काइन मास्टर। अब स्टोरी और बैकग्राउंड म्यूजिक आप लोगों को कहाँ मिलेगा वो मैं बता दूँ। स्टोरी के लिए गाइस आप लोगों को अपना फोन ओपन करना है, उसके बाद यहाँ से गाइस आप लोगों को एक ऐप ओपन करना है जिसका नाम है बिडमेट। उसके बाद यहाँ से ना गाइस आप लोगों को यहाँ सर्च बार पे क्लिक करना है और यहाँ पे गाइस आप लोगों को सर्च करना है नेटफ्लिक्स कार्टून्स। यहाँ पे आप लोगों को नेटफ्लिक्स कार्टून यहाँ पे सर्च करोगे तो यहाँ पे भीम का कार्टून करेक्टर बहुत सारा आ जाएगा, जिसमें आप लोग को अच्छा सा देख कर डाउनलोड कर लीजिएगा। अब यहाँ पे मैं आप लोग को बता दूंगा इसकी इसमें स्टोरी नहीं मिलता है, इसमें जो स्टोरी बनाया गया तो वो किसी अदर चीज़ के लिए बनाया जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग फैक्ट्स तैयार करना है, मतलब इस वीडियो के जरिए आप लोग को फैक्ट्स तैयार करना है, तो उसके लिए आप लोग को खुद से एक स्टोरी क्रिएट करना होगा। मतलब इस वीडियो को ही देख के भीम आखिर कर क्या रहा है इस वीडियो के अंदर, वही आप लोग को देख के उसके बाद आप लोग को एक स्टोरी क्रिएट करना होगा। लगभग एक मिनट तक, उससे कम का ही कर सकते हो, 55 सेकेंड ऐसे करके। तो यहाँ पे आप लोग को स्टोरी मिल चुका है। बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए गाइस आप लोग को ओपन करना अपना यूट्यूब। उसके बाद यहाँ से मैं कुछ नाम बताता हूँ आप लोग को, जो कि आप लोग को ढूंढने में आसानी होगा। मिशन टू मैन से पहला है, दूसरा है गाइस यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ टाइम, तीसरा है गाइस आप लोग को कुबा द सेव। मतलब इस तरह से मैं आप लोग को तीन नाम बताया, आप लोग बहुत सारा ढूंढ सकते हो, उसके बाद आप लोग इजीली डाउनलोड कर सकते हो। अब आप लोग को एक वायरल शॉर्ट्स वीडियो क्रिएट करने के लिए आप लोग को ओपन करना अपना काइन मास्टर। उसके बाद गाइस यहां से आप लोग को ए वीडियो सिलेक्ट करना है, जो कि अभी मैंने बताया कि आप भीम कार्टून वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद यहां से डाउनलोड करने के बाद इसमें मतलब आप लोग को लगभग 10 मिनट तक रह सकता है शायद। यहां से आप लोग को एक खुद से स्टोरी क्रिएट करना होगा, तो हम मैंने कर लिया है, आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद गाइस यहां पे आप लोग को क्या करना है, यहां पे तो हो चुका है। सबसे पहले आप लोग को भीम कार्टून फैक्ट्स का ऊपर मतलब हेडलाइन देना है, तो उसके लिए गाइस आप लोग को यहाँ लेयर पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ टेक्स्ट पे, और यहाँ पे गाइस आप लोग को भीम को वीडियो में जो भी कर रहा है मेन टाइटल आप लोग को देना चाहते हैं, वो जैसे मैं भीम लिख देता हूँ। बस आप लोग को समझाने के लिए आप लोग जो लिख लीजिएगा जो भीम मतलब वहाँ पे करता होगा, उसके बाद यहाँ ओके पे। अब गाइस यहाँ पे आप लोग को कलर पे जाना है, और कलर आप लोग को वाइट ही रहने देना है। उसके बाद यहाँ से आप लोग को जाना है थोड़ा नीचे बैकग्राउंड कलर पे, उसके बाद इसको इनेबल करना है, और इसको भी आप लोग इनेबल करना है, और इसको ना आप लोग को यहाँ पे क्लिक करके आप लोग इसको क्या करना है, यहाँ पे इसको रेड रखना है, उसके बाद इसको फुल कर देना है, उसके बाद यहाँ ओके पे। अब गाइस देख तो कुछ इस तरह से हमारे पास हेडलाइन हो चुका है। तो ये मतलब सभी वीडियो में जितना भी लास्ट तक चलेगा वो सभी मतलब दिखेगा लास्ट तक। तो ये हमारा पहला चीज़ हो चुका है। अब दूसरा चीज़ के लिए गाइस आप लोग को यहाँ ऑडियो पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ सॉन्ग्स पे, और यहाँ पे आप लोग को जो अभी मैंने बैकग्राउंड म्यूजिक आप लोग को डाउनलोड करने के लिए बताया वहाँ से आप लोग ले सकते हो। जैसे मान लो हम ले लेते हैं, जैसे हमारे पास ये रहा, उसके बाद यहाँ प्लस वाला आइकन पे, अब हमारे पास बैकग्राउंड म्यूजिक भी हो चुका है, और ये हेडलाइन को आप लोग एंड तक कर लीजिएगा। उसके बाद अब यहाँ से आप लोग को एक स्टोरी लिख लेना है कॉपी में, आप कहीं भी लिख सकते हो फ़ोन में। उसके बाद यहाँ से आप लोग को रिकॉर्ड पे क्लिक करना है, और या तो आप लिख के भी कर सकते हो, और यहाँ पे तो ऐसे करके कर भी कर सकते हो, जैसे आप यहाँ पे भीम का स्टोरी यहाँ पे देख कर भी कर सकते हो। और अगर आप लोग को लगता है कि नहीं मैं मतलब मुझे जो लिख कर रखा हूँ उसको स्टोरी क्रिएट करना है, तो उसको यहाँ से आप वॉइस ओवर करके उसके बाद अपना वॉइस को जब यहाँ पे होगा उसके बाद इस पर क्लिक करना, उसके बाद यहाँ मिक्सर पे, और इसको आप लोग को फुल कर देना। बाकी आपका एक वायरल वीडियो तैयार हो चुका है। अब मैं आप लोग को प्रो ट्रिक बताता हूँ जिससे आप लोग को 100% आपका शॉर्ट्स वीडियो वायरल होगा। सबसे पहले देखो गाइस शुरुआती टाइम में जब हम चैनल स्टार्ट करते हैं ना, तो हमारे पास ज़्यादा ऑडियंस नहीं होते, तो हमें व्यूज़ का भी ज़्यादा उम्मीद नहीं रखना चाहिए। बहुत लोग ये सोचते हैं कि मेरे पास एक ही सब्सक्राइबर है और सोचते हैं कि मेरे को लाखों में व्यूज आ जाए, तो ऐसा नहीं होता है। आप लोगों के चैनल को ग्रोथिंग थोड़ा देना पड़ेगा, जैसे 10 दिन आप लोग को, 12 दिन, 15 दिन ऐसे करके आप लोगों के चैनल पे रेगुलरिटी काम करना पड़ेगा, और आप लोग को एक दिन में 4 से 5 वीडियो अपलोड करना ही पड़ेगा। अब वो आप लोग एक ही वीडियो को अपलोड कर सकते हो, क्योंकि आप 4-5 तो कॉन्टेंट क्रिएट नहीं कर सकते हो एक दिन, तो एक दिन में आप लोग एक ही वीडियो को 5 बार अपलोड कीजिएगा। उसके बाद देखना गाइस
पांच में से एक ना एक वीडियो में ऐसा वीडियो जरूर होगा जिसमें आप लोगों को अच्छा खासा व्यूज मिल जाएगा। मतलब वायरल तो नहीं हुआ शुरुआती टाइम में, लेकिन आप लोगों को अच्छा खासा व्यूज मिल जाएगा। तो उसमें से आप लोगों को जितने भी बाकी चार वीडियो रहेगा उसको आप लोगों को डिलीट कर देना है, बाकी आप लोगों को एक वीडियो को रहने देना है। उसके बाद आप लोग को अपनी वीडियो में सस्पेंस क्रिएट करना होगा, जैसे वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ होना चाहिए, मतलब ताकि लोग लास्ट तक देखें। और वीडियो के अंदर आप लोग डिमांड कर सकते हो लाइक का और सब्सक्राइब का, क्योंकि आपके वीडियो शॉर्ट वीडियो को अगर लाइक मिलता है ना तो लाइक से ही वीडियो को ग्रोथिंग मिलता है शॉर्ट वीडियो का। आप लोग को लिस्ट में जाकर देख सकते हो कि जैसे हमारे लॉन्ग वीडियो को वहाँ पे ग्रोथिंग मिलता है जैसे फुल देखने पर, लेकिन यहाँ पे वीडियो को लाइक करने में ज़्यादा ग्रोथिंग मिलता है। तो आप लोग को लाइक और सब्सक्राइब पर डिमांड रख सकते हो। बाकी आप लोग को शुरुआती में अगर सब्सक्राइबर्स कम है तो आप लोग ज़्यादा उम्मीद मत रखिएगा, आप लोग को रेगुलर काम करोगे तो आप लोग को ऑटोमेटिकली आपका वीडियो वायरल हो जाएगा। सो ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा कॉमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।